महामारी के चलते लॉकडाउन 4 के दौरान भले ही दिल्ली में घूमने के लिए पार्क खुल गए हों और लोग सुबह पार्क में जाकर सैर कर ताजी हवा का आनंद ले रहे हों, परंतु दिल्ली का एक ऐसा पार्क जिसमें आज तक ताला जड़ा हुआ है। हालत यह है कि लोग पार्क खुलने की उम्मीद में रोज आते हैं और पार्क बंद देकर वापस लौट जाते हैं। जी हाँ, ये पार्क भामाशाह पार्क के नाम से है और ये पार्क आजादपुर फल मंडी के सामने जीटी की रोड महिंद्रा पार्क पर स्थित है। ये पार्क अभी तक आम लोगों के लिए खोला नहीं गया है। जानकारी के अनुसार आदर्श नगर विधानसभा के अंतर्गत भामाशाह पार्क, जो कि मेन रोड महिंद्रा पार्क संजय नगर के साथ लगता है, इस पार्क में सुबह शाम आसपास के लोग सैर के लिए आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण पार्क को बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन 4 में यहां पार्कों को खुलने के चलते लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस भामाशाह पार्क में अभी भी ताले जड़े हुए हैं। जानकारी में ये भी बताया गया है कि लोग पार्क में घूमने के लिए तो आते हैं, परंतु पार्क बंद होने के चलते लोग लौट जाते हैं या फिर मजबूरन गली मोहल्ले में सैर कर रहे हैं। हालत यह है कि क्षेत्रीय विधायक का निवास एवं कार्यालय पार्क से चंद कदमों की दूरी पर है, बावजूद इसके पार्क में ताला जड़ा हुआ है। गौरतलब है कि 3 लॉकडाउन के दौरान करीब 50 दिनों तक लोगों ने घरों में रहकर सरकारी आदेशों और नियमों का पालन और 4th लॉकडाउन में पार्कों में घूमने की अनुमति मिलने से यहां लोगों में खुशी का माहौल था, परंतु भामाशाह पार्क बंद रहने से और शहर के लिए आने वाले लोग निराश होकर वापस जाना पड़ता। देखने वाली बात ये होगी कि संबंधित विभाग इस पार्क को कब तक खोलने के लिए आदेश जारी करता है या फिर ऐसे पार्क में ताला लटका रहेगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।